गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं इरशाद अहमद, परीक्षा प्लस में आप सबका स्वागत है। आज देखिए, जो शुरू होने वाला है जो सिलेबस का, जो एक पार्ट है, समझिए कि जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, अब समझिए कि उत्तर प्रदेश विशेष, उत्तर प्रदेश विशेष ये भी समझिए कि यहाँ से जैसे क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्रोत कहाँ से है, कैसे क्या करें। तो इसमें सबसे पहले आप डिफाइन करिए, इसको पार्ट में बांटिए उत्तर प्रदेश विशेष से, क्योंकि सब एग्ज़ाम में समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, खास तौर से ऑब्जेक्टिव की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे समझिए कि 15-16 क्वेश्चन वहाँ यहाँ से उत्तर प्रदेश से आता है, उत्तर प्रदेश से हमेशा आता है, उतना क्वेश्चन आता है 15 से 16 क्वेश्चन, क्योंकि जो बहुत बड़ा रोल करता है। जैसे सबका तो सभी स्टूडेंट का सब सब्जेक्ट जीएस का पार्ट मजबूत हो नहीं सकता, किसी का साइंस कमज़ोर होता है, किसी का ज्योग्राफी कमज़ोर होता है, किसी का हिस्ट्री कमज़ोर होता है, तो समझिए वो कहाँ से कवर कर सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश विशेष से वो अपना कवर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में है, तो समझिए कि यहाँ पे समझिए कि हम 80% यहाँ पे जानते हैं, ठीक, 80% जानते हैं, सुने हैं, लेकिन उसको एक परीक्षा के उपयोगी दृष्टि से उसको सही करने के लिए, ठीक, आइए शुरू करते हैं। इस पर पहले एक बार देख लीजिए, शुरू करने से पहले एक बार जान लीजिए इसमें पढ़ना कैसे है, ठीक, पढ़ना कैसे है। जैसे जितने पार्ट पूरे जीएस के हैं, जितने पार्ट जीएस के हैं, जैसे भूगोल यानी कि उत्तर प्रदेश का भूगोल, इतिहास, उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या है, इकोनॉमिक, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमिक, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, उत्तर प्रदेश के संस्थान क्या है, जिले, ये सब कुछ देखना है। लेकिन आप ध्यान दीजिए, इसको हम कुछ पार्ट में बांटते हैं, उत्तर प्रदेश का भूगोल, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश का भूगोल, इतिहास, इतिहास में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, ठीक, फिर अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में ध्यान दीजिएगा, अर्थव्यवस्था कैसे पढ़ेंगे, सबसे देखिए जो योजना परियोजना सरकार द्वारा चलाई जाती है, उत्तर प्रदेश और केंद्र द्वारा जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में चलाई जाती हैं, वो हो गया, ठीक, फिर पार्ट हो गया राजव्यवस्था, 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 ठीक। अब क्या है कि अब एक पार्ट और है, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति, संस्कृति, अब आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश का भूगोल, उत्तर प्रदेश के भूगोल में जैसे आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, उत्तर प्रदेश का भूगोल में सेम वैसे ही सब कुछ, वही लॉजिक है, ठीक। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक, यहां पे देखिए उत्तर प्रदेश के भूगोल में विस्तार, उत्तर प्रदेश का विस्तार कहां कहां तक है, कितना बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टि से, उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, वो सब बताएंगे, ठीक, विस्तार हो गया। फिर उसके बाद देखिए स्थिति, इसकी उत्तर प्रदेश की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति कैसी है, यानी कि भारत के किस गोलार्ध में पड़ती है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ की जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु, क्यों, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है, यहाँ से जलवायु से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक। जलवायु में उत्तर प्रदेश को कितने मुख्यतः जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, ठीक, पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु, मुख्यतः दो जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, और ये जलवायु हो गया, ठीक। अब देखिए, ये जलवायु हो गया, अब देखिए क्या है दूसरा पार्ट, जो अगर भूगोल का हो, उत्तर प्रदेश का जो भूगोल है उसका दूसरा पार्ट, जलवायु हो गया, फिर कृषि, कृषि करेंगे, तो कृषि में जैसे भारत में है, तो ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश को मिट्टी, जलवायु और यहाँ की दशाओं के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने कृषि
भागों में बांटा गया है, तो ये 9 भागों में बांटा गया है, ठीक 9 भागों में। अगर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जब कृषि होगी, कृषि को अर्थव्यवस्था में भी पढ़ेंगे और यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन हम यहीं भी पढ़ा देंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिए, कृषि हो गया, जब कृषि होगा तो यहाँ की सिंचाई के साधन क्या क्या हैं। जब सिंचाई के साधन से क्वेश्चन हमेशा आता है, किसके द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश में, अब किस माध्यम के द्वारा सबसे ज्यादा भारत में सिंचाई होती है। सिंचाई का माध्यम नहर नदी नलकूप, ये सब है, लेकिन यहाँ पे नहर अलग से पढ़ना है, नदी अलग से पढ़ना है। नदी में क्या पढ़ना है, गंगा यमुना चंबल जो ही उस पर परियोजना बना है उसको पढ़ना है। फिर देखिए, फिर उसके बाद परियोजनाएं परियोजनाएं यानी कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जो हैं, ठीक। अब देखिए, विद्युत योजना कौन कौन सी, एनटीपीसी है, और समझिए कि सौर ऊर्जा कहाँ कहाँ लगा है। अब समझिए कि इसको करंट की दृष्टि से भी पढ़ना है, ऊर्जा भी पढ़ना है, सबसे ज्यादा किसका योगदान है ये भी पढ़ना है, ठीक। अब देखिए, जो इसका अंतिम पार्ट है वो है उद्योग। उद्योग यानी कि उत्तर प्रदेश में उद्योग, सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, कैसे क्या है, और कृषि में समझिए फसल भी आपको जानना है, कौन सी फसल कहाँ बोई जाती है, उत्तर प्रदेश का स्थान किस किस फसलों में नंबर एक पे है, वो सब पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो आपका कोई पार्ट छूटेगा नहीं। वैसे क्या है, उत्तर प्रदेश की किताब लाएं या पढ़ लिए तो उससे क्या है, कृषि छूट जाती है, मतलब इस 10 पार्ट में समझिए कि 5 पार्ट छूटता ही छूटता है, ठीक। अब देखिए, जो सबसे जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो जनजातियां, जनजाति यानी कि ST, थारू, जौनसारी, खरवार, भुक्सा, ये कौन कौन जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक। अब देखिए, अब भूगोल में हो गया ये, आपको भूगोल में ये पढ़ना है। इतिहास में देखिए क्या पढ़ना है, इतिहास में ये जानना है कि प्राचीन काल से लेकर आज तक का कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ऐतिहासिक दृष्टि से संबंधित है। जैसे 57 की क्रांति से क्वेश्चन पूछ देता है, यानी उत्तर प्रदेश का पार्ट कौन सा है। अंतरिम सरकार पूछ देता है, अंतरिम सरकार सबसे पहले कहाँ पे गठन, ओ समानांतर सरकार, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार का गठन हुआ था तो सबसे पहले कहाँ पे होता है, वो क्वेश्चन पूछ देता है। फिर उसके बाद एंशिएंट से समझिए कई तो लेख पूछ देते हैं, फिर वैसे समझिए कि बहुत कुछ पूछता है। और शिक्षा एवं संस्कृति एवं संस्थाएं भी यहाँ पे हैं, समझिए संस्थाएं, जैसे शुगर टेक्नोलॉजी, दाल अनुसंधान, गन्ना अनुसंधान, जो केंद्र हैं वो यहाँ पे। अब शिक्षा में यूनिवर्सिटियाँ पढ़ने हैं आपको, विश्वविद्यालय पढ़ना है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, सबसे पहला विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का कौन सा है, ठीक, ये सब पढ़ना है। तो ये भी समझिए कि रिलेट करके पढ़ाएंगे, पहला विश्वविद्यालय तो यहाँ पे इतिहास में भी आएगा, क्यों इतिहास में भी आएगा, आप कौन सा पहला विश्वविद्यालय बताएंगे आपको, ठीक। अर्थव्यवस्था यानी कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आपको पढ़ना है योजना परियोजना और लास्ट में यहाँ का बजट, ठीक बजट। अब देखिए, राजव्यवस्था यानी कि प्रशासनिक ढांचा पढ़ना है, प्रशासनिक ढांचा कब से, 1937 से लेकर के आज तक प्रशासनिक ढांचा में ये है कि पहला राज्यपाल कौन सा है, मानवाधिकार आयोग का गठन कब होता है उत्तर प्रदेश में, इस समय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है, महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है उत्तर प्रदेश में, ये सब यहाँ से क्वेश्चन होता आता है। पहला लोकायुक्त कौन सा है, लोकसभा राज्यसभा विधान परिषद विधानसभा की सीटों की संख्या पूछता है, और ये चुनाव कौन सा है, ठीक। यहाँ पे आपको दिखा होगा, आप भी सोच रहे होंगे, एक चीज यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्या, क्योंकि जनगणना इसलिए लास्ट में रखे हैं, जनगणना एक अलग से पार्ट है इसलिए लास्ट में रखे हैं, क्योंकि जनगणना समझिए कि जनगणना, ठीक। अब जनगणना से भी हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जनगणना इसलिए लास्ट में रखे हैं और लास्ट में हम बताएंगे, क्योंकि इसमें डेटा है बहुत ज़्यादा, अगर शुरू में आप बहुत ज़्यादा डेटा पढ़ लेंगे तो वो आपको समझिए मिस हो जाएगा सब कुछ, इसलिए हम जनगणना बहुत लास्ट में रखे हैं, एकदम लास्ट में, लास्ट जो समझिए कि
क्लास होगी वो जनगणना यूपी की होगी। यूपी से समझिए कि जनगणना जो हम बताएंगे वो समझिए कि रिलेट करके बताएंगे, रिलेट करके बताएं किससे, भारत से, भारत की जनगणना से रिलेट करके बताएंगे। ठीक, अब आइए एक एक समझिए कि हम एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए हम उत्तर प्रदेश का भूगोल। ठीक, उत्तर प्रदेश का भूगोल आप देख लीजिएगा, ना हो तो आप शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, इसको इसी हिसाब से आप देखिएगा, पढ़ेंगे तो बहुत समझिए, मजा भी आएगा आपको, और समझिए कि आपका सब कुछ क्लियर, एक एक क्लियर होता जाएगा, एक एक क्लियर होता जाएगा। समझिए, चाहे कोई भी समझिए कि चाहे किसी भी आयोग का पेपर हो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो समझिए यहाँ से क्वेश्चन अगर 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यहाँ से हमेशा समझिए कि 10 से 15 क्वेश्चन, हमेशा 15 मान के चलिए, करंट भी मिला लिया जाए, क्योंकि हम लास्ट में उत्तर प्रदेश का करंट भी बताएंगे। क्यों? क्योंकि अभी करंट बताने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, जब भी जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे उसका हम करंट बताते जाएंगे। ठीक, आइए अब शुरू करते हैं। पहला पार्ट, उत्तर प्रदेश का भूगोल, भौगोलिक स्थिति क्या है, ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक स्थिति क्या है। अब या उत्तर प्रदेश का, अगर भारत का भूगोल पढ़ाते तो भारत का, भारत की स्थिति क्या है। स्थिति का तात्पर्य ये है कि कितने से कितने देशांतर पे, कितने से कितने अक्षांश पे, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसके बाएं कौन सा राज्य है, दाएं कौन सा राज्य है, ऊपर कौन सा राज्य है, नीचे कौन सा राज्य है, कितने जिलों में डिवाइड है, ये समझिए कि आपको यहाँ पे देखना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, आप एक थोड़ा सा बारीक चीज़ यहाँ पे देखिए, फिर हम इसको बता रहे हैं। ठीक, ये मान लीजिए आपको बिल्कुल मैप पता नहीं है, लेकिन आपके पास मैप होना चाहिए। मैप रहेगा तो आप समझिए कि कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आप सबसे ज़्यादा करेंगे। ये मान लीजिए यूपी का मैप है। ठीक, ये यूपी का मैप है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक, ये आपका मैप है, तो ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश है। ठीक, ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो अगर देखिए सबसे पहले मैप में इधर और इधर एक चीज, नई चीज देखिएगा, उत्तर, उत्तर में सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है, पता है सबसे उत्तर वाला जिला कौन सा है, सबसे पूरब वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, सबसे दक्षिण वाला जिला कौन सा है, सबसे पश्चिम वाला जिला कौन सा है, यहां तक तो पता है। क्यों आपको याद है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। लेकिन अगर पूछ दे कि उत्तर प्रदेश के पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, सबसे पूरब में कौन सा राज्य स्थित है, दक्षिण में कौन सा राज्य स्थित है, पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है, और समझिए उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो पहले जिला जानिए। उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया है, बलिया, उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है। अब समझिए बलिया किससे स्पर्श करता है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब उत्तर में, जब पूरब में बलिया है तो पूर्वी राज्य कौन सा होगा स्पर्श करने वाला, पूर्वी राज्य बिहार है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्व में राज जो स्पर्श करता है वो बिहार है। ठीक, अब आइए दक्षिण में, दक्षिण में सबसे दक्षिण में उत्तर प्रदेश का जो जिला है वो सोनभद्र है, ना कि ललितपुर, अभी हम मैप में बताएंगे आपको, यहां पे इसलिए हम बता रहे हैं कि आपको बस ये पता चल जाए। ठीक, दक्षिण में सोनभद्र है, लेकिन सबसे दक्षिण में भारत की जो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी छोर है सोनभद्र, उसका जो सबसे नीचे का पॉइंट जो सोनभद्र है वो किससे स्पर्श करता है। ठीक, किससे स्पर्श करता है, तो ये समझिए कि छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ से। ठीक, छत्तीसगढ़ से। अब समझिए आइए उत्तर में, अब उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में ध्यान दीजिएगा कौन सा जिला है, सबसे उत्तर में सहारनपुर है, सहारनपुर। अब सहारनपुर का थोड़ा सा भाग हिमाचल प्रदेश से लगता है, इसलिए सबसे उत्तरी जिला हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि उत्तर का मैप, यूपी का मैप ऐसे ऐसे है, यहां पे जो स्पर्श करेगा वो सबसे उत्तर का नहीं होगा, लेकिन जो यहां पे स्पर्श करेगा, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरी छोर है सबसे, वो समझिए कि जिला है। अब सबसे पश्चिम का जिला कौन सा है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो ये शामली है। ठीक, ये शामली है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार आपको दिखा दें आपको। ठीक, जैसे देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले मैप एक बार आप देख लीजिए,
हम जो बनाए थे, ध्यान दीजिएगा, हम जो बनाए थे ये पार्ट और ये था, ठीक, ये था। ठीक, ये था। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे बताए थे ना आपसे बताए थे ना कि अगर पूछ दे कि सबसे दक्षिण में, देखिएगा यही सोनभद्र है। अब देखिए ललितपुर है, सोनभद्र, सबसे दक्षिण में सोनभद्र। और देखिए ध्यान दीजिएगा, ये बाउंड्री है, यहां पे आपका झारखंड है, यहां पे झारखंड है, यहां से यहां तक बिहार है, और यहां से यहां तक आपका छत्तीसगढ़ है, और यहां से लेकर के यहां तक मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, सबसे उत्तरी छोर ये है, सबसे उत्तरी छोर ये है, और सबसे दक्षिणी छोर ये है सोनभद्र, सबसे उत्तरी छोर सहारनपुर, और सबसे, अगर सबसे पूर्वी छोर समझिए कि बलिया है आपका। आप यहां मत जाइएगा कि यहां आ रहा है बीच में, तो सबसे उत्तरी छोर लखीमपुर खीरी हो गया, नहीं, क्योंकि सबसे उत्तरी छोर हमारा ये है। और सबसे पश्चिमी छोर, ध्यान दीजिएगा, सबसे पश्चिमी छोर कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी छोर आपका शामली है, ठीक, शामली है, ठीक। आइए अब इसको हम देखते हैं एक एक करके, भौगोलिक स्थिति, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश भारत के, समझिए कि जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में स्थित है। कहाँ पे है? कर्क रेखा के उत्तर में है। ये गुंडवाना लैंड का क्षेत्र है, गुंडवाना लैंड का क्षेत्र है। यहाँ पे जो समझिए कि जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वो समझिए कि जो क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो भारत का चौथा राज्य है, सबसे बड़ा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आइए आप देखिए, उत्तर प्रदेश भारत के सीमांत राज्य है, ठीक, उत्तरी सीमा से स्पर्श करने वाला मात्र एक देश है, कौन सा है? नेपाल। अभी बताएंगे कौन कौन सा जिला नेपाल से स्पर्श करता है। सबसे ध्यान दीजिए, उत्तर में है नेपाल, उत्तर, ठीक। उत्तराखंड के गठन के पूर्व की स्थिति, जब उत्तराखंड नहीं बना था तो उत्तर प्रदेश, जैसे 1 नवंबर, समझिए कि 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश, 9 नवंबर 2000 में उत्तर प्रदेश का आधुनिक रूप में आता है। कब आता है? आधुनिक रूप में जब आता है, तो समझिए कि उत्तराखंड जब उत्तर प्रदेश से अलग होता है, तो समझिए कि उससे पहले जो चीन था वो उत्तर प्रदेश से सीमा उसकी स्पर्श होती थी, लेकिन जब गठन हो गया तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, उत्तराखंड की सीमा चीन से हो गई, यानी कि तिब्बत का श्रेय भी इसे जोड़ा गया, और प्राकृतिक रूपों में उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण यमुना नदी के बिंद श्रेणियां के पूर्व में गंडक नदी में स्थित है। यानी कि इसका विस्तार बस यहाँ ध्यान जानिएगा, इसकी स्थिति कहाँ पे है। ये उत्तर प्रदेश जो है, समझिए कर्क रेखा के उत्तरी भाग में है, इसकी अवस्थिति, ध्यान दीजिए अवस्थिति, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसकी अवस्थिति कैसी है ये समझिए। अगर पूछ दे कैसी, किस, जैसे गोंडवाना लैंड की है कि क्रेटेशियस की है, कि समझिए कि किसकी है, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, गोंडवाना लैंड का भूभाग है, ठीक। गोंडवाना लैंड का विभाजन जब हुआ था, यानी कि जो समझिए कि एशिया के दक्षिण वाला पार्ट, वो गोंडवाना लैंड का है, तो समझिए कि गोंडवाना लैंड का यह पार्ट है। उत्तर प्रदेश दक्षिण भाग में स्थित पठारी प्रायद्वीपी भाग का अंग है, ध्यान दीजिए, क्यों? क्योंकि आपका भले समझिए कि वो है, लेकिन वो प्रायद्वीपी भाग का ही अंग है, गोंडवाना लैंड का ही अंग है उत्तर प्रदेश, ठीक। अब देखिए, जिसका निर्माण विंध्य क्रम की शैलों से प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, ठीक। इसका अक्षांशीय विस्तार ध्यान दीजिएगा आप, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, ठीक ना, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है? एक कर्क रेखा है उत्तर प्रदेश में, ये भारत में, ये मकर रेखा है, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर है, विषुवत रेखा है, इसके
जो ये लाइनें खींची गई हैं, ये लाइनें खींची गई हैं, ये क्या है? अक्षांश है, अक्षांश है, ठीक। अब जो ये लाइनें खींची गई हैं ये देशांतर है, तो यानी कि पहले अक्षांशीय विस्तार फिर देशांतरी विस्तार। ध्यान दीजिएगा, अक्षांशीय विस्तार जो है ऊपर, यानी कि इक्वेटर के ऊपर कितना स्थिति है, भारत की, उत्तर प्रदेश की स्थिति इक्वेटर के ऊपर कितना है, यानी कि सबसे पहले ध्यान में लाइए कि 23.5 डिग्री से ऊपर ही होगा। क्यों? क्योंकि 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा गुजरती है, कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है 8 राज्यों से, ठीक, तो उसमें समझिए कि उत्तर प्रदेश नहीं आता है, तो यानी कि 23 से तो ऊपर ही होगा, 23.5 से ऊपर ही होगा, ठीक ना। यानी कि 23 से 30 तक, आपको मोटी मोटा बस याद इसमें रखिए, 23-30 अक्षांशीय विस्तार, यानी उत्तरी अक्षांश। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अक्षांश है, क्यों? क्योंकि उत्तर में है ना, अगर इक्वेटर के उत्तर में है उत्तर प्रदेश, इसलिए उत्तरी अक्षांश है। अगर इक्वेटर के दक्षिण में रहता तब वो दक्षिणी अक्षांश रहता, थे उत्तरी अक्षांश पे स्थित। इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, किस अक्षांश में स्थित है, तो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। विस्तार देखिए 23, बस आप मोटी मोटा याद रखिए 23-30, 23-30, यानी कि 7 डिग्री का डिफरेंट है। यानी कि अगर देखा जाए, अगर टाइम जोन में बांटा जाए, तो समझिए कि लगभग लगभग समझिए कि 25 से 28 मिनट का अंतर पाया जाएगा, ठीक। अब देखिए कुल अक्षांशीय विस्तार में समझिए कि 6.29 का अंतर है। अब देखिए देशांतरी विस्तार, देशांतरी विस्तार 77 डिग्री से पूर्व, अब देखिए ये 0 डिग्री है आपका देशांतर, 0 डिग्री है, तो इसके इधर है, इसके पूरब में है उत्तर प्रदेश, भारत भी इसके पूरब में है। जो भारत की स्थिति है, ध्यान दीजिएगा, भारत का जो विस्तार है, जो समझिए कि वो समझिए कि 82.5 डिग्री वो नैनी के पास से गुजरती है, जिसको मानक समय कहा गया है भारत का, ठीक। अब समझिए कि यानी कि नैनी की इलाहाबाद से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश का और तो इधर पार्ट है, तो अब थोड़ा रीजनिंग लगाइएगा, तो 77.77 डिग्री 3 मिनट से 84.39 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। ये पूर्वी देशांतर क्यों है? क्यों? क्योंकि समझिए जो देशांतर रेखा है, जो ए 0 डिग्री, जो इसके समझिए दक्षिण में है ना, पूरब में है ना, इसलिए पूर्वी देशांतर में है। अगर पूछ दे कि अमेरिका की इधर है, अमेरिका उत्तरी पूर्वी देशांतर पे है कि पश्चिमी देशांतर पे है, तो अमेरिका पश्चिमी देशांतर पे है, ठीक। अब समझिए, ये सब आप लोग जानते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमाएं केंद्र शासित दिल्ली सहित कुल 9 राज्यों से लगी। यहां पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का विस्तार, जो विस्तार है वो 8 राज्य से सटा हुआ है, 8 राज्य से स्पर्श करता है, और प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से स्पर्श करता है। अगर पूछे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश किससे किससे स्पर्श करता है, तो आप साफ जानिएगा कि 8 राज्यों से स्पर्श करता है और एक केंद्र शासित राज्यों से स्पर्श करता है। अगर पूछ दे किससे, अगर पूछ रहा है ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित, तो 9, अगर सिर्फ राज्य पूछ रहा है तो 8। अब इस 8ों का नाम आप जानिएगा, क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप रीजनिंग लगाइएगा कि अरे उत्तर प्रदेश के बगल में बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, फिर दिल्ली है, हरियाणा है, फिर हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड है। आप कहोगे 8 राज्य और एक दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। आप एक सीक्वेंस से चलिएगा, ठीक ना, एक सीक्वेंस से चलिएगा। आप चलिएगा इधर से बिहार से, बिहार के नीचे झारखंड, झारखंड के नीचे यहाँ पे सोनभद्र बताए थे ना, छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ किसमें से बना है? एमपी से, तो एमपी भी होगा। अब एमपी के ऊपर आगरा आ रहा है, आगरा से स्पर्श कर रहा है मध्य प्रदेश, तो राजस्थान हो जाएगा। जब राजस्थान है, राजस्थान के बगल में दिल्ली है, दिल्ली है, अब दिल्ली से सटा क्या है? हरियाणा है। अब हरियाणा सब हरियाणा है, लेकिन हम जब पढ़ चुके हैं सबसे उत्तरी छोर पे, सहारनपुर एकमात्र ऐसा जिला है जो समझिए कि मध्य उससे हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करता है, तो हिमाचल प्रदेश भी हो गया। जब हिमाचल प्रदेश हो गया, तो समझिए कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक उत्तराखंड हो गया, और फिर यहाँ से समझिए कि यहाँ तक जहाँ तक बिहार की सीमा है, नेपाल हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, 9 हो गया आपका,
ठीक, अभी मैप में हम बता रहे हैं, ठीक, देख लीजिए आप मैप, ध्यान दीजिएगा, मैप में भी देख लीजिए। मैप में देख लीजिए आप, आठ राज्य कौन कौन हैं जो स्पर्श करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे कहे थे ना बिहार से चलिएगा, बिहार है यहां तक, ध्यान दीजिएगा, बिहार आपका यहां तक है, यहां झारखंड है, यहां पे आपका छत्तीसगढ़ है। आप समझिए यहां तक छत्तीसगढ़ है, और यहां से लेकर के आपका यहां तक मध्य प्रदेश है, फिर यहां से लेकर के यहां तक आपका समझिए कि बस दो जिला, मथुरा आगरा, यहाँ तक राजस्थान है। और फिर समझिए कि यहाँ से लेकर के समझिए कि फिर उसके बाद दो राज्य, दो समझिए कि दिल्ली एनसीआर से टच होता है, फिर उसके बाद हरियाणा, बागपत, मुजफ्फर, और समझिए कि ये भी है स्टेट, ये भी समझिए जिला है, यहाँ से हरियाणा करता है, फिर उत्तराखंड, ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका उत्तराखंड करता है, कहाँ तक, यहां तक। अब पीलीभीत से लेकर के आपका महाराजगंज तक नेपाल स्पर्श करता है, ठीक। देखिए उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाले राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, इसमें जानिए आप। अगर क्वेश्चन पूछ दे इसमें सबसे कम सीमा किस राज्य से स्पर्श करती है, सबसे कम समझिए हिमाचल प्रदेश से करती है, और सबसे ज्यादा किससे करती है, सबसे ज्यादा समझिए मध्य प्रदेश से करती है, ठीक, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से करती है, ठीक। अब सोनभद्र अगर पूछ दे क्वेश्चन, सबसे ज्यादा राज्यों से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र है, वो चार राज्यों से स्पर्श करता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश। और जो उसके बाद अगर पूछ दे, अगर ये तो ट्रेंड चल ही रहा है सबसे ज्यादा, अगर दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है, सहारनपुर तीन राज्यों से स्पर्श करता है, समझिए कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान, हरियाणा, ठीक, दूसरे नंबर पे सहारनपुर है, लेकिन सबसे कम सहारनपुर है। अगर ऐसे आ जाए कि सिर्फ और सिर्फ मात्र एक जिला से स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, तो वो ललितपुर है, ठीक, क्यों, क्योंकि ललितपुर मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ एक जिला ललितपुर से स्पर्श करता है, वो है झांसी, ठीक। आइए देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश समझिए कि मात्र दिल्ली है, मात्र दिल्ली है। अभी बताएंगे कौन कौन से सीमा जो है, जो केंद्र शासित प्रदेशों से लगी है, कौन कौन से जिला है। देखिए ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित से गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर स्पर्श करता है, ठीक। अभी हाल ही के एग्जाम में आया था, क्वेश्चन आया था, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, नोएडा ग्रेटर नोएडा किस में है, गाजियाबाद में, गौतम बुद्ध नगर में, हम सब बताएंगे वो है गौतम बुद्ध नगर में, ठीक। प्रदेश की पूर्वी सीमा बिहार एवं इससे लगी है, झारखंड से, अगर पूछ दे कि बिहार से तो झारखंड से लगी है, लेकिन सबसे पूरब में उत्तर प्रदेश के सबसे पूर्वी क्षेत्र जो बलिया है, तो उससे कौन सा जिला, कौन सा राज्य स्पर्श करता है, तो बिहार है, यानी कि हमारा सबसे पूर्वी क्षेत्र वो है बिहार है, ठीक। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल, नेपाल से उत्तरी सीमा, अब विदेश में विदेशी सीमा, नेपाल से एकमात्र विदेशी राज्य देश है जो भारत से स्पर्श करता है, वो है नेपाल है, नेपाल है। इसके अतिरिक्त उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश लगी हुई उत्तरी सीमा, जैसे उत्तरी सीमा जब इसको अभी हटाइए आप, क्यों, क्योंकि इसको हम राज्य बताएंगे, यहाँ बस एक चीज जानिए आप, बस नेपाल लगा हुआ है, कितने जिलों से, सात जिलों से लगा हुआ है, अभी आप बताएंगे कौन कौन सा जिला लगा हुआ है, ठीक। उत्तर पश्चिम की सीमा में हरियाणा, राजस्थान, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, और एक चीज यहाँ पे जान लीजिएगा, एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, उत्तर प्रदेश आता है, ठीक। उत्तर प्रदेश के सात जिले हैं आते हैं, और सबसे ज़्यादा जिला जो आता है वो समझिए हरियाणा का आता है, और राजस्थान का सिर्फ दो जिला आता है, और उत्तर प्रदेश का सात जिला आता है, वो सातों जिला हम आपको बताएंगे, ठीक, सातों जिला हम आपको बताएंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश के दक्षिण सीमा मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ से लगा है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे दक्षिण में
कौन सा जिला स्पर्श करता है किस राज्य से? तो सोनभद्र स्पर्श करता है छत्तीसगढ़ से, ना कि मध्य प्रदेश से। ध्यान दीजिएगा, ये जो सोनभद्र है लटका हुआ, तो छत्तीसगढ़ आपका यहां से यहां तक है, ठीक, और यहां से मध्य प्रदेश शुरू हो जाता है। तो इसका ये तात्पर्य है कि सबसे निचला सीमा यही हुआ, तो किससे स्पर्श करता है? छत्तीसगढ़ से स्पर्श करता है, ठीक। देखिए आपको बता चुके हैं सबसे लंबा सीमा किससे बनाता है, तो 11, ध्यान दीजिएगा, 11 जिलों से स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बनाता है। और सबसे कम कौन बनाता है? तो हिमाचल प्रदेश बनाता है, जो मात्र और मात्र सहारनपुर से स्पर्श करता है, हिमाचल प्रदेश। और न्यूनतम रेखा समझिए कि हिमाचल प्रदेश से स्पर्श करता है, जो समझिए कि सहारनपुर, ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर से, सिर्फ और सिर्फ सहारनपुर से, एकमात्र जिला सहारनपुर। देखिए यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, ठीक। और सहारनपुर समझिए कि आपसे बताया ना सबसे ज्यादा राज्यों से स्पर्श करने वाला तो सोनभद्र है, लेकिन दूसरे नंबर पे कौन से है आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, सहारनपुर है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, तीन स्टेटों से स्पर्श करता है, ठीक। सर्वाधिक 11 जिलों से स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है हमारा, ठीक। सर्वाधिक 4 प्रदेशों से स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला सोनभद्र है, ध्यान दीजिएगा। वो कौन कौन से समझिए स्पर्श करता है? देखिए लिखा हुआ है मध्य प्रदेश 11 जिला, छत्तीसगढ़ सोनभद्र से स्पर्श करता है, झारखंड सोनभद्र से स्पर्श करता है, बिहार सोनभद्र से स्पर्श करता है, लेकिन तीन से सहारनपुर और सोनभद्र। अब यार लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। यानी कि चार चार स्टेटों से एकमात्र सोनभद्र है जो स्पर्श करता है, ठीक। सबसे कम जिलों से स्पर्श करने वाला जिला ललितपुर है, ध्यान दीजिएगा, सबसे कम जिला है ललितपुर बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप एक बार देख लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, ये ललितपुर है, ध्यान दीजिएगा, ये ललितपुर है, सिर्फ और सिर्फ झांसी से स्पर्श कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये झांसी से स्पर्श कर रहा है, और किसी से भी स्पर्श ये नहीं कर रहा है। कौन? ललितपुर। यानी कि एक सबसे कम जिला से स्पर्श करने वाला ये ललितपुर है, लेकिन सबसे ज्यादा, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जिला जो है किससे स्पर्श करता है? तो आपका बदायूं है, 9 जिलों से स्पर्श करता है, ही बदायूं है, बदायूं, ठीक, 9 जिलों से स्पर्श करता है बदायूं, और ललितपुर मात्र एक जिला से स्पर्श करता है, ठीक। मध्य प्रदेश तीन तरफ से घिरा हुआ है, कौन सा? ललितपुर, ध्यान दीजिएगा, ललितपुर मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। ललितपुर लटका हुआ जो क्षेत्र है, ये यहाँ से झांसी हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ से सिर्फ मात्र एक स्टेट लगता है, वो ललितपुर लगता है, ठीक। उत्तर प्रदेश देखिए आ गया, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से स्पर्श करने वाला बदायूं है, 9 जिलों से स्पर्श करता है, तो सबसे कम जिलों से स्पर्श करने वाला ललितपुर है, ठीक। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है स्पर्श करने वाला एकमात्र विदेशी राष्ट्र नेपाल है, ध्यान दीजिएगा, नेपाल है, जो 7 जिलों से स्पर्श करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 7 जिलों से स्पर्श करता है। जो आप देखिए, ध्यान दीजिए, पूर्व से पश्चिम, यानी कि इधर से इधर जाना है आपको, इसको क्रोनोलॉजी आप समझिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ, यानी सबसे पहले महाराजगंज, महाराजगंज जो बिहार से भी स्पर्श करता है, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, खीरियों पीलीभीत, यानी कि आप बस ऐसे याद कर लीजिए थोड़ा सा मोटी मोटा, फिर आप देख लीजिएगा कि पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक, ठीक, पीलीभीत से लेकर के महाराजगंज तक किसका क्षेत्र है? नेपाल का क्षेत्र है। जब इतना आपको याद हो जाएगा तो समझिए आपको 7ों जिलों याद हो जाएंगे। अब याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आप सही किए तो सबसे समझिए कि आप 2 से 3 क्वेश्चन आप ज़्यादा करेंगे। क्यों? क्योंकि किताब में दिया है, कोई जोर दे के इतना पढ़ाता भी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। जितने प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं उतने प्रकार से हम बता रहे हैं, ठीक, उतने प्रकार से हम बता रहे हैं, ठीक ना। इसमें देखिए, अगर कुछ देख, कौन सा जिला स्पर्श नहीं करता नेपाल से, तो ये 7 बस रटे रहिए, 7 के अलावा नहीं करता है, 7 के अलावा नहीं करता है, जो भी आ जाए ललितपुर दे दे। इसलिए कह रहे हैं ना, आप मैप जरूर, जो भी नोट्स आपके पास बना रहे हो यूपी का, इसे देख करके, जो भी आपके पास किताब हो, तो यूपी का समझिए मैप निकलवाइए, उसी किताब में मैप उसको चिपका दीजिए, चिपका दीजिए उसी बुक कॉपी में चिपका दीजिए। क्यों? क्योंकि आप बार बार एटलस नहीं खोलने जाएंगे,
जो आपकी किताब है, कॉपी है यूपी की, उसी में आप चिपका दीजिए यूपी का मैप, और बार बार समझिए कि देखिए उसकी बाउंड्री देखिए। बस अगर बाउंड्री आपका कन्फर्म है तब समझिए आपका उत्तर प्रदेश या कोई भी वर्ल्ड की ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी का अगर मैप आपका क्लियर है, मैप आपके पास है, मैप के आप थोड़ा बहुत जानते हैं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बीच में और इधर उधर जानते हैं, तो आप कर ले जाएंगे। ठीक, आप इतना काम जरूर करिएगा। अब देखिए, अब देखिए, ये देख रहे हैं ना, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश विभिन्न राज्य, जो उत्तर प्रदेश से विभिन्न राज्य हैं, जो 7-8 राज्य बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित दिल्ली। तो ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए, आप समझिए इसको, अब इसको समझिए, उत्तर प्रदेश का जो सहारनपुर से स्पर्श करता है, कहाँ पे करता है, अब ध्यान दीजिएगा, सहारनपुर, ठीक, सहारनपुर समझिए कि मात्र यहीं पे सहारनपुर समझिए कि यहीं पे स्पर्श कर रहा है आपका, कहाँ पे, यहीं पे सहारनपुर स्पर्श कर रहा है, ठीक, यानी कि सहारनपुर सबसे उत्तरी छोर पे है और उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश से स्पर्श करने वाला सहारनपुर। ठीक, अब आइए, आप हरियाणा आइए, कहाँ आइए, हरियाणा, अब हरियाणा से स्पर्श करने वाला, ध्यान दीजिएगा, हरियाणा, सहारनपुर, ये सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, बागपत हो गया। अब समझिए, यहां से भी बताए ना आपसे, समझिए कि देखिए, देखिए सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपसे बताए ना कि सबसे उत्तर में तो समझिए कि हिमाचल प्रदेश है, ठीक, सबसे उत्तर में हिमाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम में कौन सा होगा, तो आप जब समझिए कि डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा, जो समझिए शामली से टच करता हो, स्पर्श करता हो, वही समझिए कि हमारा सबसे पश्चिमी छोर है, यानी कि हरियाणा, हरियाणा उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी भाग है, ठीक, सबसे पश्चिमी में, और जो शामली है, यानी कि सबसे पश्चिमी छोर का जिला कौन सा है, तो शामली है, ठीक, शामली है, यही से देखिए, यही है शामली, ठीक ना, ये शामली है, यही है, अगर आप इसमें मैप में मिलाएंगे तो सबसे उत्तर वाला भाग, सबसे पश्चिम वाला भाग हो जाएगा शामली आपका, ठीक। अब देखिए राजस्थान, राजस्थान से सिर्फ और आगरा और मथुरा है, यानी आगरा और मथुरा का पेड़ा खाइए, सिर्फ राजस्थान है ही, मात्र 2 शहरों से स्पर्श करता है, 2 जिलों से स्पर्श करता है राजस्थान। अब देखिए राजस्थान है, अब समझिए मथुरा से स्पर्श कर दिया या आगरा से स्पर्श कर दिया, यानी कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं, अगर डायरेक्ट पहुंचना हो तो, एक मथुरा से और एक आगरा से। आप तो यहां से भी जा सकते हैं, हम एमपी से जा सकते हैं, उत्तराखंड से जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि उत्तर प्रदेश से अगर जाना हो तो आप समझिए कहीं से भी चलें, अगर आप समझिए कि बिहार से जा रहे हैं, ठीक, बिहार से जा रहे हैं, आपको राजस्थान जाना हो, वो कहीं से भी जाएंगे, कोई भी रास्ता हो, ध्यान दीजिए कोई भी हो, ठीक, कोई भी हो, अगर उत्तर प्रदेश से होके जाना है तो समझिए कि आपको आगरा से स्पर्श होगा और यहाँ पे स्पर्श होगा मथुरा से, ठीक। मध्य प्रदेश 11 जिलों से स्पर्श करता है, सर्वाधिक लंबी लाइन है, हम बता चुके हैं, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, अब देखिए नोट कर लीजिएगा आप, प्रयागराज भी समझिए कि यह मध्य प्रदेश से मिलता है और आगरा भी मध्य प्रदेश से मिलता है, ठीक ना, आप थोड़ा सा डाउट मत रहिएगा, आगरा भी उधर, आगरा भी राजस्थान का बॉर्डर है, ठीक, आगरा इधर, प्रयागराज जिसका अभी हाल ही में गठन, नाम परिवर्तन हुआ, प्रयागराज इलाहाबाद इससे पहले था। अब देखिए झांसी लगा देंगे, ललितपुर लगा देंगे, महोबा लगा देंगे, बांदा लगा देंगे, सब लगा देंगे, लेकिन क्या है ना, इटावा और प्रयागराज और आगरा आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे अगर आपको ज्योग्राफी यूपी का मैप नहीं पता है तो, ठीक। छत्तीसगढ़ से मात्र 1 राज्य, 1 जिला सोनभद्र, झारखंड से मात्र 1 जिला, हिमाचल प्रदेश से मात्र 1 जिला, बिहार से देखिए, बिहार से कितने जिला स्पर्श करते हैं, आपसे बताए ना, नेपाल का बॉर्डर है तो वहीं से स्टार्ट करिए, महाराजगंज के बगल में कुशीनगर, देवरिया, बलिया, बलिया, यानी कि हमारा सबसे पूर्वी छोर
ईस्ट एरिया तो बनिया ही है ना उत्तर प्रदेश का, इसलिए सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बनिया है। सबसे पूर्व में स्पर्श करने वाला राज्य बिहार होगा, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। यहाँ जान जाइए कि बिहार भी, सोनभद्र भी बिहार से स्पर्श करता है। ठीक। अब उत्तराखंड, उत्तराखंड में सहारनपुर, देखिए उत्तराखंड तो पता ही चल जाएगा, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड इतना समझिए कि पहाड़ी एरिया है, समझिए कि अब पहाड़ी एरिया में सहारनपुर भी है, वो तो मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है। अब देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली, अब दिल्ली में गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर एक आता है, समझिए कि आप मैप एक बार आप शार्ट स्क्रीन मैप का भी 1 मिनट एक काम करिएगा, आप समझिए मैप का शार्ट स्क्रीन आप ले लीजिए और इसको एक बार जरूर देखिएगा, इस मैप को एक बार आप जरूर देखिएगा। क्यों? क्योंकि समझिए कि जो बाउंड्री है, समझिए कि आगरा यहाँ से यहाँ तक, राजस्थान यहाँ से यहाँ तक, हरियाणा यहाँ से यहाँ तक, उत्तराखंड, अब यहाँ से यहाँ तक नेपाल, अब यहाँ से यहाँ तक बिहार, अब यहाँ से यहाँ तक झारखंड, यहाँ से यहाँ तक छत्तीसगढ़, अब यहाँ से यहाँ तक आगरा तक आपका मध्य प्रदेश। ठीक, यही आपका है। समझिए कि अब देखिए, अब क्षेत्रफल आइए इसका, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33 एरिया में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तर प्रदेश समझिए कि चौथा राज्य है, क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या घनत्व के दृष्टि से ये चौथा राज्य है। उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का ध्यान दीजिएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक, जो क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा राज्य है, चौथा बड़ा राज्य है। पहला देखिए अभी आएगा, पहला कौन सा राज्य है? देखिए अभी देखिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश का इतना है। तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल में 7.33% है। कई बार एक क्वेश्चन आपका आ चुका है ऑब्जेक्टिव में, ठीक, सभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव, समझिए कि ऑब्जेक्टिव नाम ले रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम समझ सकते हैं, कोई भी एग्जाम समझ सकते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का चौथा राज्य है। अब इससे अधिक वाले क्षेत्रफल आपसे बताए ना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, अगर तेलंगाना का गठन जब नहीं हुआ था तो उत्तर प्रदेश 5वां स्थान रखता था, अब क्या है ये चौथा स्थान रख रहा है उत्तर प्रदेश। लेकिन जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है, पहला है, पहला है। ठीक, वर्तमान, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब आया, वर्तमान स्वरूप उत्तर प्रदेश का कब आता है, तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 9 नवंबर 2000 को आया। क्यों? क्योंकि अब इसी 9 नवंबर को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और एक अलग राज्य बन गया। 13 नवंबर 2000 में 13 पर्वतीय, ध्यान दीजिएगा, 13 पर्वतीय जिलों को काट करके उत्तराखंड बनाया गया। पहले उत्तरांचल था, फिर बाद में उत्तराखंड कर दिया जाता है। ठीक, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले, ध्यान दीजिएगा यहां पे, समझिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर सर्वाधिक है तो सबसे कम भी है। जो सबसे ज्यादा नंबर पा रहा है वो तो उसका तो लिस्ट लगेगा, जो सबसे कम नंबर पा रहा है उसका भी तो लिस्ट लगेगा। तो यहां पर देखिए, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य नहीं, यहाँ पे जिला है। राज्य में कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अब जिला में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई एवं सीतापुर। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर पूछ दे अवरोही क्रम में लिखने के लिए, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई और सीतापुर, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब क्या कि सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब सबसे छोटा जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश, यानी कि आरोही क्रम में सबसे छोटा जिला, ध्यान दीजिएगा कि हापुड़ है और गाजियाबाद है, बस दो आप याद रखिए। लेकिन अगर जनसंख्या पूछ दे, हम उसको बताएंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे एक जान लीजिए, अगर जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछे और अवरोही क्रम में लिखे, तो आप ध्यान दीजिएगा इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, जौनपुर। ठीक, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, ये आता है। ठीक, क्षेत्रफल जनसंख्या की दृष्टि से।
ठीक, अगर सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है सबसे कम जनसंख्या। ठीक, तो देखिए उत्तर प्रदेश यहाँ पे सबसे कम क्षेत्रफल, यानी कि आरोही, आरोही मतलब क्या है, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा। ठीक, यानी कि 3 2 1, ये आरोही हो गया। अवरोही में सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, यानी कि 3 2 1। ठीक, आइए प्रदेश के सबसे पूर्व एवं पश्चिम में, सबसे पूर्व में बलिया है और सबसे पश्चिम में शामली है। बलिया बिहार से स्पर्श करता है और समय शामली हरियाणा से स्पर्श करता है। सबसे उत्तर एवं दक्षिण जिला, सबसे उत्तर में सहारनपुर, सहारनपुर समझिए 3 स्टेट से जुड़ा हुआ है, सहारनपुर हरियाणा से जुड़ा है, उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है, और सोनभद्र समझिए कि 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, मध्य प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़ झारखंड। राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के जिले कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश का जिला NCR, आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। NCR में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? NCR में शामिल कौन कौन से राज्य हैं? NCR में शामिल दिल्ली के अलावा 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है। ठीक, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें शामिल किसके जिले हैं? ध्यान दीजिएगा सबसे ज्यादा शामिल हरियाणा के हैं, जो 13 या 14 जिले शामिल हैं, और सबसे जो, और उसके बाद किसका स्थान आता है? उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, और सबसे कम जो शामिल है वो राजस्थान के शामिल हैं। ठीक, देखिए NCR में उत्तर प्रदेश के कौन कौन सा क्षेत्र आता है? अलीगढ़, गाजियाबाद, गाजियाबाद आएगा। ध्यान दीजिएगा अगर गाजियाबाद आ रहा है तो गौतम बुद्ध भी आएगा, जहां गाजियाबाद रहेंगे वहां गौतम बुद्ध जरूर रहेंगे। ठीक, गौतम बुद्ध जरूर रहेंगे। हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत। ध्यान दीजिएगा सबसे अंतिम में शामली को शामिल किया जाता है, लेकिन आप NCR का एक छोटा छोटा मैप जानते रहिएगा, मैप जानेंगे क्यों, क्योंकि NCR जो होगा, ध्यान दीजिएगा NCR जो होगा वो समझिए इसी क्षेत्र में होगा ना, इसी क्षेत्र में होगा NCR, ना कि इधर होगा, ये सब होगा NCR क्यों, क्योंकि आप इतना जानने, अगर मैप आपको पता है तो NCR नेशनल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राज क्षेत्र कौन कौन से है, दिल्ली के अगल बगल जानी है उधर ही होगा, अब इधर बलिया थोड़ी आ जाएगा। ठीक, आइए NCR हो गया। भौतिक विभाजन, अब ध्यान दीजिएगा भौतिक विभाजन में क्या है, कि भौतिक विभाजन अगर पूछ दे क्वेश्चन आपसे, तो भौतिक विभाजन आपसे बताया ना, भौतिक विभाजन 3 भागों में बांटा गया है, भांवर तराई का क्षेत्र, गंगा यमुना का मैदान, और समझिए कि प्रायद्वीपी यानी कि पठारी भाग। ठीक, पठारी भाग 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा कि पहला पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय 3 भूभागों में है, 3 भूभाग थे, पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र और दक्षिण का पठार। परंतु उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया। ध्यान दीजिएगा आपसे बताया ना, 13 पर्वतीय क्षेत्र काट करके उत्तराखंड का गठन किया गया 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। अब समझिए कि इस पर्वतीय क्षेत्र से अलग हुआ उत्तर प्रदेश से, अब भांवर तराई उत्तर प्रदेश के पास बचा हुआ है। भांवर तराई क्या है? अब ज्योग्राफी पढ़े होंगे, लेकिन फिर यहाँ पे समझिएगा, अगर पूछ दे सब उत्तर में क्या है, उसके नीचे क्या है, उससे इनके नीचे क्या है, ठीक ना, जो ऊपर वाला भाग थोड़ा सा है वो भांवर है, उसके नीचे तराई वाला है, तराई वाला हमेशा पूछता है, तराई का वो है जहाँ समझिए कि हमेशा हमेशा और बाढ़ आती रहती है। ठीक, भांवर वो है समझिए कि जहाँ बाढ़ के पानी सही से पहुँच नहीं पाती है, जिसे बांगर समझिए वही। ठीक, उत्तर प्रदेश वर्तमान मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो समझिए कि अभी हाल ही के UPSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अब समझिए कि हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन आप शब्दावली पे आप समझिए कि अगर पूछ दे क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है और 9 कृषि सस्य प्रदेशों में बांटा गया है। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक, क्योंकि अगर पूछ दे सब लोग रटे हैं क्या, नौ नौ नौ, अबे नहीं देख रहे हैं क्या पढ़ा क्या लिखा हुआ है, देखिए प्राकृतिक यहाँ पे है ना, कि कृषि का नाम लिया गया, अगर जहाँ कृषि होगा, कृषि का आधार जो है वो मिट्टी वनस्पति और समझिए कि तापमान और क्षेत्र, उसके आधार पर, सिंचाई के आधार पर उत्तर प्रदेश, और जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश
कि जो फसल है, कृषि है, उसको 9 भागों में बांटा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में है? तो 3 भागों में है। और वो जलवायु की दृष्टि से कितने भागों में है? तो 2 भागों में है। ठीक, आइए, पहला क्षेत्र भांवर, पहला क्षेत्र जो 3 पार्ट था, उत्तर प्रदेश को प्राकृतिक विभाजन 3 भागों में था, तो पहला भाग भांवर एवं तराई था। ध्यान दीजिए, पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूर्व में देवरिया, कुशीनगर, पडरौना, कुशीनगर की जो समझिए पडरौना है मुख्यालय है। ध्यान दीजिएगा, पूछता है कभी कभी सबका मुख्यालय भी, हम जब राजनीतिक जब राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश का बताएंगे तो सब समझिए कि क्षेत्र बता देंगे आपको, कितने समझिए नगर निगम है, कितने मंडल हैं, अब समझिए कि किसका मुख्यालय कहाँ पे है, किसका मुख्यालय कहाँ पे है। ठीक, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, वो भी हम बता देंगे। ठीक, लेकिन एक पतली सी पट्टी है भांवरा और तराई कहलाती है, ठीक ना। अब देखिएगा, अभी तो हम बहुत ज़्यादा जाना नहीं चाह रहे हैं ज्योग्राफी में, यह है, ये समझिए नेपाल वाला बाड़े, समझिए कि हिमालय क्षेत्र है। अब इसके नीचे कुछ एरिया डिसाइड है। अब इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र पड़ता है वो तराई और भांवर क्षेत्र आता है। ठीक, तराई और भांवर क्षेत्र आता है, पतली पट्टी है ऐसे, अब ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे है। ठीक, अब मैं एक बार देखिएगा, अब भावर क्षेत्र की नदियां लुप्त हो जाती हैं। भावर क्षेत्र में जब नदियां लुप्त हो जाती हैं, ध्यान दीजिएगा, लुप्त हो जाती हैं, तो तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं, तराई क्षेत्र में फिर से प्रकट होती हैं। ठीक, यानी कि ऊपर भावर है, उसके नीचे तराई है, ये जो पट्टी है ये कुछ भाग भावर का है, ठीक, फिर वो तराई का है। ठीक, आइए देखते हैं, भावर क्षेत्र में जलोढ़ एवं जलोढ़ शंकु नदी निर्मित होती है। ठीक, भावर क्षेत्र में पर्वतीय भूभाग जो कंकड़ है वो सुनिर्मित है, जो बहुत मतलब का नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत मतलब का है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी आदि जिलों जो हैं वो समझिए कि इसका विस्तार है, भावर क्षेत्र का विस्तार यहाँ पे है। ठीक, कहाँ कहाँ है? बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर और लखीमपुर खीरी। तराई क्षेत्र भावन क्षेत्र के दक्षिण में, आपसे बताया ना, ऐसे याद करिए आप, ये है, ये भावर है, ये आपका भावर है। ठीक, अभी कहा गया ना, ये भावर है, अब ये समझिए दक्षिण में इसके तराई है। ठीक, अब सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, कैसे, मान लीजिए आपको नहीं समझ पाए तो कैसे याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। टिक तो सबकी अपनी अपनी होती ही है, लेकिन यहाँ पे जानिए, अगर पूछ ले दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, ये जो दे दिया उत्तर में तराई है, क्या है, ध्यान दीजिएगा, भात आप याद रखिएगा, ऊपर भात है, सबसे ऊपर भात होगा, फिर उसके नीचे तराई होगा। ठीक, भांवर तराई, ठीक, आप ऐसे याद कर, जैसे भी याद करिए, बस आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से अगर आपका याद हो गया ना ये चीज़, तो समझिए कि आपका याद भी हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत टफ चीज नहीं है। ठीक, आइए अब समझिए कि ये जो तराई वाला क्षेत्र है ये ज्यादा विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा, तराई का क्षेत्र 80 से लेकर के 90 किलोमीटर एरिया का चौड़ा जो क्षेत्र है, इसके अंतर्गत देखिए सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बरस्ती, सिद्धार्थनगर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, समझिए उत्तर प्रदेश का समस्त भाग इधर वाला जो है वो समझिए कि तराई क्षेत्र में आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, आपको तराई क्षेत्र के जो इधर का एरिया है, बस सिर्फ सिर्फ इसीलिए पूछा जाता है, और समझिए कि यहाँ की जनजातियाँ के लिए पूछा जाता है। ठीक, ये समझिए बहुत उपजाऊ क्षेत्र होता है यहाँ का। अब देखिए दूसरा क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब प्राकृतिक क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र 3 भागों में है, पहला गंगा यमुना, पहला तराई भावर और तराई, अब दूसरा गंगा यमुना का विस्तृत मैदान है, या गंगा यमुना का विस्तृत उपजाऊ क्षेत्र। ठीक, इसको देखिए, गंगा यमुना को ऊपरी मैदान, ठीक, बस इसमें समझिए कि अब बस इतना ही जानिए, बहुत उपजाऊ पट्टी है, इसका भाग गंगा यमुना का भाग उत्तर प्रदेश के दूसरे भाग में भी आता है, इतना चौड़ाई इसकी इतनी है। ठीक, अब समझिए कि इसमें कौन कौन से जिले गंगा यमुना क्षेत्र के दोआब में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब उत्तर प्रदेश में बताए थे ज्योग्राफी, जब शुरू में स्टार्टिंग हम किए थे तो बताए थे, अभी जलवायु भी इसके बाद पढ़ाना है, फिर उसके बाद नदी पढ़ाना है, जब नदी पढ़ाएंगे तब आपको क्लियर होगा, गंगा यमुना टोटल नदी तब क्लियर होगी, लेकिन यहाँ पे जान लीजिए इनका क्षेत्र क्या है, मैदान में प्रवेश करती हैं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, ये समझिए कि इसको बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा, क्योंकि हम समझिए कि जो बहुत मतलब का रहेगा उसको बता देंगे, आप याद करिएगा। ठीक,
अब उत्तर प्रदेश पूर्वी मैदान का विस्तार वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया। अब देखिए ये भी समझिए गंगा यमुना के क्षेत्र में आते हैं, लेकिन पूर्वी क्षेत्र वाला है, पूर्वी क्षेत्र वाला। क्यों पूर्वी क्षेत्र वाला? ध्यान दीजिएगा, गंगा जो गंगा यमुना समझिए कि गंगा समझिए कि इलाहाबाद तक गई है, तो उसके बाएं वाला पार्ट, पूरब वाला पार्ट में कौन कौन सा आता है? यही सब आता है। ठीक, अब देखिए इसका दक्षिण का पठार। अब आपसे बताया ना जो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वो समझिए कि गोंडवाना लैंड का क्षेत्र है, दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ स्पष्ट हो रहा है तीन भागों में बांटा गया, तो उसमें दक्षिण का पठार भी एक है। इसे कह सकते हैं जो दक्षिणी क्षेत्र है यानी कि मिर्जापुर, सोनभद्र, ललितपुर, नीचे वाला क्षेत्र, वो समझिए इसके अंतर्गत आता है। ठीक, दक्षिण का पठार का कुल क्षेत्र पर 45,200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, इसके क्षेत्र अंतर्गत क्या आता है? बुंदेलखंड और बघेलखंड। बुंदेलखंड के अंतर्गत 3-4 जिले हैं, बघेलखंड के अंतर्गत 4-5 जिले हैं। कुल मिला के समझिए कि ये भी समझिए कि बहुत विस्तृत भाग है, ये भी समझिए कि यहाँ पे उपजाऊ बहुत बड़ा उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, लेकिन वर्तमान में जो भारत सरकार है यहाँ पे समझिए बहुत सारी योजनाएं लगाने की का काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी समझिए कि यहाँ पे बुंदेलखंड में ही समझिए चीन के सहयोग से, उसके फ्रांस के सहयोग से कुछ उद्योग लगने वाले हैं यहाँ पे, कुछ रोड बनने वाले हैं यहाँ पे। ठीक, देखिए यह क्षेत्र यह दक्कन पठार का ही प्रसरण है। आपसे बताए ना अगर क्वेश्चन आ जाए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन कि इसका भाग दक्कन के पठार का ही क्षेत्र है, बिल्कुल दक्कन के पठार का क्षेत्र है। इस भूभाग के उत्तरी सीमा यमुना तथा गंगा नदी द्वारा निर्धारित है, दक्षिण सीमा विंध्य पर्वत द्वारा। ठीक, विंध्य पर्वत जैसे हम बताएंगे यहाँ पे पर्वत भी, पर्वत तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, बस विंध्य क्षेत्र का जो सीमा है, जो विभाजन रेखा है, उसको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत, अब देखिए यहाँ पे बेतवा पाहुजा नदियों की सीमा निर्धारित करती है। बता देंगे जैसे मान लीजिए बेतवा नदी बताना है, जैसे परियोजना बताएंगे बेतवा पे कौन कौन सी परियोजना है, फिर उसके बाद पाहुज नदी का बहुत मतलब नहीं है लेकिन यह बेतवा, केन बेतवा, चंबल, एक समझिए केन बेतवा किसकी सहायक नदी है, ये समझिए जब नदी बताएंगे तो आपको वहाँ पे बता देंगे। ठीक, अब आइए यहाँ पे बुंदेलखंड का, उत्तर प्रदेश का, दक्षिण का। देखिए बुंदेलखंड का निर्माण उत्तर प्रदेश के दक्षिण के उच्च में विंध्य काल, ध्यान दीजिएगा विंध्य काल के प्राचीनतम नीच चट्टानों से हुआ, इसीलिए जानते हैं क्या यहाँ पे समझिए कि संगमरमर का हुआ हो गया। और जो हमारे खनिज संसाधन हैं, ध्यान दीजिएगा जो उत्तर प्रदेश का हम खनिज संसाधन बताएंगे जो भी पाए जाते हैं इसी दक्षिण क्षेत्र में यहाँ के पाए जाते हैं, इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण का है संसाधन के दृष्टि से, खनिज के दृष्टि से। बाकी समझिए उत्तर में कोई खनिज नहीं पाया जाता है, पूरब में कोई खनिज नहीं पाया जाता है, जो समझिए खनिज यहीं से पाया जाता है। ठीक, बुंदेलखंड के पश्चिम भाग में काली मृदा को रेगर, अभी देखिए समझिए कि रेगर यानी काली मृदा को रेगर कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको कपासी मृदा भी कहते हैं, ये कहाँ पे पाया जाएगा? ध्यान दीजिएगा ये समझिए कि उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाएगी काली मृदा, ना कि समझिए कि उत्तर में पाई जाएगी काली मृदा, और लाल मृदा समझिए कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी, जो मालवा के पठार का ही विस्तार है। ठीक, ध्यान दीजिएगा काली मृदा उत्तर प्रदेश में, काली मृदा को कपासी मृदा, रेगर मृदा, उपजाऊ मृदा, अब स्वतः जुताई करने वाले मृदा आदि नामों से जाना जाता है। जब समझिए मृदा उत्तर प्रदेश की मृदा बताएंगे तो हम सब बता देंगे यहाँ पे। क्यों? हम थोड़ा सा भी समझिए कि आपका एक हिसाब से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में सब कुछ यहाँ पे आ जा रहा है। फिर इसको समझिए कि अब कुछ बताए ना, आपको जलवायु भी पढ़ाना है, मृदा भी पढ़ाना है, परियोजना भी पढ़ाना है, जनजाति भी पढ़ाना है, और जिला भी पढ़ाना है। ठीक, बघेलखंड क्षेत्र प्रमुख सोन नदी है, प्रमुख नदी सोन नदी है। सोन समझिए किसकी सहायक नदी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है सोन किसकी सहायक नदी है, तो सोन गंगा की सहायक नदी है, सोन गंगा की समझिए कि सहायक नदी है। ठीक, सोन गंगा की बाएं तट की सहायक नदी, सोन कई बार क्वेश्चन आया है, सोन किसकी नदी है, सहायक नदी है, गोमती किसकी सहायक नदी है, गंडक किसकी सहायक नदी है, ग्राम गंगा किसकी सहायक नदी है, तो सोन यहाँ पे जान लीजिए कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। ठीक, अब देखिए बघेलखंड, बघेलखंड के उत्तर दक्षिण क्रमशः सोनपुर और रामगढ़ की पहाड़ियों में अवस्थित है, कोई मतलब का बहुत ज़्यादा मतलब का नहीं है, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे दक्षिण पठार की प्रमुख नदियाँ जो हैं, प्रमुख नदियाँ ध्यान दीजिएगा चंबल, अगर चंबल, बेतवा, केन,
सोन, टोंस। अब जब हम नदी बताएंगे तो आप इतना जरूर ध्यान दीजिएगा कि चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल यमुना की सहायक नदी है, केन बेतवा उसकी सहायक नदी है, सोन देखिए सोन किसकी सहायक नदी है, सोन समझिए गंगा की सहायक नदी है, टोंस किसकी ना सहायक नदी है, ध्यान दीजिएगा टोंस समझिए कि दो की सहायक नदी है, एक यमुना की सहायक नदी है और एक गंगा की सहायक नदी है। ठीक, अब समझिए वनस्पतियाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता नहीं है, और समझिए कोई भी समझिए प्राकृतिक समझिए आपदा उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा आता नहीं है। ठीक, अब समझिए कि आज की क्लास यहीं तक, जो अगली क्लास होगी ध्यान दीजिएगा, अब इसके बाद अभी समझिए कि ये बहुत विस्तृत नहीं है, इसके बाद नदियाँ हम अलग से बताएंगे, पूरी नदियाँ पूरी परियोजना अलग से बताएंगे, जो समझिए कि इसमें हम बहुत ज़्यादा हो जैसे यहाँ पे छोड़े हैं कोई कोई चीज़, जैसे नदी चंबल नदी अलग से ही पढ़ाना है, कहाँ से निकलती है, इस पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, किसने राज्य को स्पर्श करते हैं, इसकी सहायक नदी कौन है, और गंगा समझिए पढ़ाना और सब बताना है। ठीक, तो आज की क्लास यहीं तक के लिए, ठीक ना, थैंक यू सो मच, अगली क्लास नेक्स्ट होगी।